साईं बाबा पर लिखी ये 8 किताबें जरूर पढ़ें। साईं बाबा पर उनके समकालीन कुछ लोगों ने किताबें लिखी हैं। आओ जानते हैं 8 प्रमुख किताबों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। पहली, श्री साईं सच्चरित। यह किताब मूलतः मराठी में श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर ने लिखी थी। इसका 53वां अध्याय बीवी देव द्वारा पूर्ण किया गया एवं 1929 को ही इस किताब को प्रकाशित किया गया। दूसरी, डिवोटीज एक्सपीरियंसेस ऑफ श्री साईं बाबा। इस किताब में श्री बीवी नरसिंह स्वामी ने साईं बाबा के उन भक्तों के संस्मरण प्रकाशित किए हैं जो साईं बाबा के सानिध्य में रहे थे। उन्होंने यह किताब 3 खंडों में प्रकाशित की थी। ए यूनिक सेंट साईं बाबा ऑफ शिरडी। यह किताब श्री विश्वास बालासाहेब खेर और एम वी कामत ने लिखी थी। खेर ने यह किताब साईं बाबा के समकालीन भक्त स्वामी साईं शरणानंद की प्रेरणा से लिखी। चौथी किताब, श्री साईं द सुपरमैन। यह किताब स्वामी साईं शरण आनंद ने लिखी है। यह किताब उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है। श्री साईं शरण आनंद साईं बाबा के समकालीन थे। पांचवी किताब, खरपड़े की डायरी। अमरावती वाले गणेश कृष्ण खरपड़े बाबा के साथ रहे थे। उस अवधि में उन्होंने हर रोज डायरी लिखी थी और इस तरह 141 पृष्ठों की खरपड़े की डायरी तैयार हो गई, जिसमें बाबा के संबंध में कई अद्भुत बातें लिखी हुई हैं। छठवीं किताब, श्री साईं सगुणोपासना। कृष्णाराव जोगेश्वर भीष्म ने यह किताब लिखी जो साईं बाबा के भक्त थे। जेके भीष्म ने राम नवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया था और बाबा ने भी इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। सातवीं किताब, सदगुरु साईं दर्शन, एक बैरागी की स्मरण कथा। एक किताब कन्नड़ में भी लिखी गई है जिसका नाम अज्ञात है। लेखक का नाम है बीवी सत्यनारायण राव सत्य विठला। विठला ने यह किताब उनके नानाजी से प्रेरित होकर लिखी थी। उनके नानाजी साईं बाबा के पूर्व जन्म और इस जन्म अर्थात दोनों ही जन्मों के मित्र थे। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद प्रोफेसर मोलू कोटे के श्रीधर ने किया और इस किताब के कुछ अंशों का हिंदी में अनुवाद शशिकांत शांताराम गडकरी ने किया। हिंदी किताब का नाम है सदगुरु साईं दर्शन, एक बैरागी की स्मरण कथा। आठवीं किताब, श्री शिरडी साईं बाबा की दिव्य जीवन कहानी। इसके अलावा शिरडी साईं संस्थान ट्रस्ट द्वारा साईं लीला नाम से एक पत्रिका निकाली जाती है। इस पत्रिका के प्रारंभिक संपादक रहे चकोर आजगांवकर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है श्री शिरडी साईं बाबा की दिव्य जीवन कहानी। संस्थान द्वारा साईं प्रभा नाम से भी एक पत्रिका निकाली जाती है।